युवा कंधों पर विराट जिम्मेदारी। एशिया का किंग बनने के लिए युवा खिलाड़ियों पर सिलेक्टर्स ने खेला दांव। इस महीने दुबई से शुरू हो रही एशिया कप के लिए सिलेक्टर्स ने टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली को इस टूर्नामेंट में आराम दिया गया है। विराट की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे। सिलेक्टर्स ने राजस्थान के युवा लेफ्ट हैंडेड बॉलर खलील अहमद को टीम में जगह दी है। एशिया कप में टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा पर काफी प्रेशर होगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में हमेशा काफी प्रेशर होता है, ऐसे में रोहित शर्मा की युवा कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल तक पहुंचती है तो फिर दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में तीन बार आमने सामने होंगी। भले रोहित युवा कप्तान हो, लेकिन पिछले कुछ समय में उन्होंने कप्तानी में खुद को साबित किया है। पाकिस्तान जैसे हाई प्रेशर मैच में रोहित को हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी एमएस धोनी का साथ मिलेगा। मैदान में धोनी हमेशा ही गेंदबाज और कप्तान की मदद करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा एशिया कप में सिलेक्टर्स ने रैना की जगह अंबासी रायडू को मौका दिया है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले रायडू ने अब यो टेस्ट पास कर लिया है, यही वजह कि सिलेक्टर्स ने उन पर भरोसा जताया। उम्मीद है 15 सितंबर से शुरू हो रही एशिया कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत हर टीम को धूल चटाने में कामयाब हो और पाकिस्तान को तीन बार मात देकर एशिया कप का खिताब अपने नाम करे।